जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तो जैसे आप लोगों को पता है, इस समय मैं नेपाल में हूँ और नेपाल की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी पोखरा में हूँ। तो आज मैं निकल रहा हूँ मंदिर गुफा के लिए और एक हफ्ता ही रह गया है अब नेपाल में मेरा, तो 29 को मैं निकल जाऊँगा, 30 को मेरी ट्रेन है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 और ब्लॉग और बना लूँ नेपाल के। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सी अच्छी अच्छी रील्स देखने को मिल जाएगी जिसमें मैंने नेपाल के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो ये नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, गुरुंग ट्रैवलर करके, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी रील्स मिल जाएगी आपको। तो चलो निकलते हैं मंदिर गुफा के लिए। हम पहुंच गए महिंद्र केव एंट्रेंस में। हाँ, तो शायद टिकट लेनी पड़ेगी, शायद क्या टिकट लेनी ही पड़ेगी। एंट्री टिकट नेपाली टूरिस्ट 50, स्टूडेंट टूरिस्ट 30, सार्क टूरिस्ट 80, फॉरेन टूरिस्ट 150। तो ये रहा साइन बोर्ड। शायद मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ यहाँ पर, इतनी बार पोखरा आया लेकिन मैं इस महिंद्र गुफा में नहीं आया जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, दो बार। ये काफी दूर है ना पोखरा? हाँ, पोखरा से काफी दूर है ये, तो मेरा फर्स्ट टाइम ही है। लेकिन आरव का फर्स्ट टाइम वे टू केव। मुझे कुछ याद आ गया। हाँ, हल्का हल्का सा याद आ रहा है मुझे। गुफा भीतर बोतल चाव चाव चिप्स बिस्कुट का खोल फाले को छापा है, मतलब बोतल चाव चाव चिप्स कुछ भी नहीं, रैपर नहीं फेंकना है। बिल्कुल अंधेरा है, ध्यान से जाना पड़ेगा। क्या केव बनी हुई है, ऊपर टूटा तो एकदम प्राण निकल जाता है, क्या बताओगे। ओ भाई जय भोले, हर हर महादेव। काफी लंबी केव है। पानी
काफी लंबी गुफा है, तो यहाँ पहुंच गए हम, लगता है यही एंड पॉइंट है। तो फाइनली एंड पॉइंट पे हम पहुंच गए ध्यान से। सुबह सुबह नमक नहीं खाए के टाइम में अंदर का जल लेकर आए, मंदिर में जल चढ़ाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, गणेश जी का मंदिर, मेन मंदिर का। अच्छा, ये मंदिर है मेन। ओम गजानन ओम लम्बोदर्व कतुल महाकायेश्वर गुडी समग्र निर्देश कुटुंब ने उठाने बोले सिद्धि ने विश्व का गुरु प्रधान परिवार सुख शांति समुद्र का आयुष्य स्वास्थ्य का मंगल में कामते प्रति जन्म लेर जैली पनि कर्म राम्रो गर्नु माता पिता को शुभ गर्नु। ये देखिए गणेश जी की सूंड, सिद्धि विनायक का मंदिर है, नेचुरल बना हुआ है ये देखिए। सिद्धि विनायक स्वकर कृपाल बाबू लगन प्रभात श्री संपूर्ण परिवार सुख शांति समृद्धि का आयुष्य स्वास्थ्य को मंगल बाटन से पढ़े रिक्वेस्ट कर देते हैं। दिखा देता हूं आपको ये देखिए, संपूर्ण मनोकामना पूरा हो, रोग जल अभिषेक कर दिन्छु हामी नै त त्यो बाबुले त्यहाँबाट अभिषेक गर्दियो। ओम धौ शांति निरंतर शांति पृथ्वी शांति रुखदय शांति ब्रह्म शांति विश्व देवो शांति रुखदय शांति वनस्पतय शांति सर्व शांति मनमा शांति, तपाईँहरूको मनमा शान्ति आउनु पर्यो, अनि परिवारमा शान्ति आउनु पर्यो, देशमा शान्ति आउनु पर्यो। ओम धौ शान्ति निरन्तर शान्ति पृथ्वी शान्ति रुखदय शान्ति ब्रह्म शान्ति विश्व देव शान्ति रुखदय शान्ति वनस्पतय शान्ति सर्वमा शान्ति रे दी लक्कीहरू लगाउनु होइन लगाउनु सक्नुहुन्छ है। तो अभी भीड़ थी तो मैं दिखा नहीं पाया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए नेचुरल बनी हुई है गणेश भगवान की सूंड, पंडित जी लोग दिखा दो। और ये पंडित जी, है ये पंडित जी बयान बयान से शाम तक सेवा करने पंडित जी है, भगवान को सेवा करने। दीदी की हिंदी बहुत प्यारी है। तो यहाँ नीचे से अरब ध्यान से मन जा, अरब जा ध्यान से घर से नहीं मेरे से पूछे अरब ले आए पानी ऊपर आके छिड़को भाई बाबू जीव करना पड़ता है भगवान ने तुम लोग उतारा है लो जीव भगवान ये कोई जान देखो हम लोग ये तैयार है जी जान दिखाना रहा तोर आरब दिखाना जरा मोबाइल से वो तो देखा ना है मोबाइल से दिखा उधर पान दिखा सबको बहनी बहनी जो बहनी जाए ओह कति समीलो पानी हो ले बाबू ये तो छोड़ दा हमें ले आए जन छोरा हजुर को घर इंडिया कौन ठाउ हिमाचल हिमाचल प्रदेश यस्तै जारो ले तो वापस निकल रहे हैं वैट कैब सॉरी महेंद्र गुफा से। मैंने सोचा ये ब्लॉग छोटा होगा लेकिन ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब पार्ट्स में तो अपलोड नहीं कर सकता इस अच्छे से ब्लॉग को, तो कोशिश करूंगा इसे सिंगल ब्लॉग ही अपलोड करूं मैं। हाँ बिल्कुल हाँ कुछ भी नहीं, हाँ देखो आश्चर्यजनक। हाँ हाँ मैं देख लिया, अच्छा नेचुरल शिवलिंग ना, हर हर महादेव।
खुद बने खुद बने हुए रे अद्भुत और आश्चर्यजनक कौन सा गुफा बोल रहे थे कहाँ जाने का राइट हैंड में अच्छा स्वर्गद्वार जाने का रास्ता भी यहीं से यही होगा है ना हाँ यही है यही है अच्छा धर्मदान अच्छा ये एग्जिट अच्छा ये है एग्जिट धर्म द्वार निकलना आसान थोड़ी होगा यहाँ से रहने दे नहीं निकल सकते थोड़ा देख लेते हैं अच्छा बिल्कुल बंद है ये तो रिस्की है कितना जय अच्छा गुफा बरा रास्ता बंद है और इसकी हिम्मत नहीं है भाई एग्जिट तो आगे एग्जिट पॉइंट निकल रहे हैं एग्जिट पॉइंट से ये मेरी टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं तो मैं बाहर से एक लुक दे देता हूँ आपको अगेन तो ये रहा धर्मद्वार का एग्जिट पॉइंट लेकिन थोड़ी चट्टाने चढ़नी पड़ेगी तो रिस्क ज़्यादा लिया नहीं हमने अच्छा ये रहा यहाँ से निकलना पड़ेगा ओह माय गॉड टू रिस्की तो महिंद्र कैब से वापस आ गए हैं मेन पार्किंग एरिया में यहाँ से निकल रहे हैं हम अगली डेस्टिनेशन के लिए तो ब्लॉग ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का तो हो ही गया है मैंने सोचा छोटा सा ही बनेगा तो जॉइंट करके एक ब्लॉग बनाऊंगा लेकिन ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया तो इसको मैं सिंगल ही अपलोड करूंगा और सिंगल ही रिलीज़ करूंगा तो करते हैं ब्लॉग को यहीं एंड अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए हर हर महादेव